मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपात्तमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीमन्मदनगोपालं वृंदारण्यपुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसित नयनाशियं सुरं मंदहासियं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं। कल अपने बहिर्मुख और अंतर्मुख दृष्टि के संबंध में बातचीत हुई थी। भोग दृष्टि और भगवत दृष्टि जीवन में दो विभिन्न दृष्टियां होती हैं। लक्ष्य यदि भोग है तो वो भोग दृष्टि है, लक्ष्य भगवान है तो भगवत दृष्टि है। भोग लक्ष्य होने पर सारी चीजें, सारी क्रिया, सारी चेष्टाएं भोगों को सामने रखकर होंगी, स्वाभाविक बात है। और भगवत दृष्टि है तो भगवान को लेकर होंगी। तो उसमें अंतर क्या पड़ेगा? भोग दृष्टि में ऐसे कर्म भी हो सकेंगे जो भगवत दृष्टि में नहीं हो सकते, जो भगवान से विरोधी पड़ते हैं। जिन कर्मों का फल, जिन चेष्टाओं का परिणाम भगवान से और भी विमुखता होती है, ऐसे कर्म भोग दृष्टि में होते हैं। भोग दृष्टि से कामना निरंतर फलती फूलती रहती है, और जब विषयों की कामना मन में रहती है तो कामना ज्ञान को, विवेक को ढक लेती है। और जब मनुष्य का विवेक काम देना बंद कर देता है तब उसको कोई भी बुरे कर्म में जाने से रोकने वाला नहीं रहता। बुरे कर्म की रुकावट बाहरी क्रियाओं से नहीं होती जब तक मन में बुरे के प्रति बुरा भाव नहीं होता। ये कर्म बुरा है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना हमारे लिए बहुत बुरी चीज है, इस प्रकार की दृढ़ धारणा मन में जब तक नहीं होती तब तक बाहरी किसी दबाव से, किसी कानून से, किसी भय से, जो थोड़ी बहुत रुकावट आती है बुरे कर्म में, वो रुकावट वास्तविक नहीं होती। जब कामना से अविवेक ढक जाता है तो वास्तव में रोकने वाला कोई नहीं रहता मनुष्य की वृत्ति को, विवेक रोकता। विवेक का अर्थ है वो बुद्धि जो लाभ अलाभ का, परिणाम के लाभ अलाभ का विचार करे, निश्चय करे और निश्चय करके उसके अनुसार जीवन को चलावे। बुद्धि दो काम करती है, बुद्धि निर्णय भी करती है और बुद्धि संचालन भी करती है। वो न्याय भी करती है और शासन भी करती है, दोनों विभाग बुद्धि में है। तो जो बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती उसके जीवन का रास्ता अस्त व्यस्त होता है, कहाँ जाए, बुद्धि का निर्णय कुछ है ही नहीं।
बुद्धि का निर्णय अगर उल्टा हो गया तो वो सन्मार्ग से अच्छे मार्ग से बुरे मार्ग पर आ जाएगा। और बुद्धि में यदि संचालन पटुता नहीं है, बुद्धि यदि मन को इंद्रियों को रोक कर चला नहीं सकती अपने मत के अनुसार, तो भी ये शरीर रथ जो है इसको इंद्रियां चाहे जहां ले जाती हैं। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है, जो बुद्धि निर्णय करती है और जो बुद्धि जीवन का संचालन करती है, उस बुद्धि का नाम ही है विवेक। जिनका विवेक नष्ट हो जाता है उनको सैकड़ों प्रकार से गिरने का अवकाश मिलता है। तो मनुष्य के अंदर सबसे अधिक काम की चीज है विवेक। विवेक भ्रष्ट हो गया सब जाता रहा, बुद्धिनाश हो गई, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। फिर हम कहते क्या करें, सोचा तो था, जानते भी थे, पर उस समय बुद्धि मारी गई थी तो हमसे ये काम बन गया। बुरा काम बन जाने पर बुद्धिमान जब बुद्धि उसकी जागती है तो यही कहता है भाई उस समय बुद्धि मारी गई हमारी। तो बुद्धि का मारा जाना, विवेक का नष्ट हो जाना, ये सबसे बड़ी हानि है मनुष्य के जीवन में। उसका यदि संसार का नुकसान हो जाए, धन जन मान का नुकसान भी हो जाए और बुद्धि ठीक बनी रहे, बुद्धि न बिगड़े, तो वह आदमी फिर ठीक होता है और उससे अच्छा ठीक होता है। पर बुद्धि यदि नष्ट हो जाए, बुद्धि यदि बिगड़ जाए, बुद्धि अगर उल्टा निर्णय करने लगे और बुद्धि जीवन को चलाने में असमर्थ हो जाए, तो फिर मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाता है, मन के अधीन हो जाता है। ये इंद्रियानि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, इंद्रियां बड़ी प्रबल प्रमथन स्वभाव वाली और इंद्रियां निरंतर बाहर की ओर जाती हैं, इसलिए वो सैकड़ों प्रकार से गिराती है। विवेक भ्रष्टानां बहुत विनिपात शत, सैकड़ों मार्गों से उसका विनिपात होता है, पतन हो जाता है बुद्धि मारी जाने पर। तो ये जो मनुष्य के अंदर विवेक है, ये विवेक जब तक जागृत है, जब तक सावधान है, तब तक मनुष्य की मनुष्यता बनी रहेगी, उसमें देवत्व आवेगा। और ये बुद्धि नष्ट हो जाए या उलटी हो जाए तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। तो मानव जीवन में सबसे अधिक संग्रह की रक्षा की वस्तु है बुद्धि, विवेक। यही बुरा काम करने से आदमी को रोकती है। और जहाँ विवेक नष्ट हो जाता है तो वहाँ बुरा काम उसका स्वभाव बन जाता है, उसमें उसको घृणा नहीं होती, डर नहीं होता, आगे चल के उत्साह होता है। पहले बुरे काम से घृणा होती है, तब आदमी बुरा काम नहीं करता। घृणा निकलने के बाद उपेक्षा होती है, घृणा तो नहीं है पर करना नहीं, उस तरफ ध्यान नहीं। उसके बाद संग होता है, फिर रुचि होती है, फिर रति होती है। बुरे काम में जब रुचि और रति हो जाती है तब मनुष्य बुरा काम करके अपने मन में गौरव का अनुभव करता है। दूसरे को सता दिया, उसकी चीज लूट ली, चोरी कर ली, बिना मतलब किसी को परेशान किया, स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के स्वार्थ का नाश कर दिया इत्यादि, ये जितने भी काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से होने वाले कर्म हैं, इन सब कर्मों में जब मनुष्य का मन गौरव बोध करने लगता है कि तो आज हमने इतना काम किया, इतने इतने घरों में चोरी की और पकड़े भी नहीं गए, जब चोर के मन में ये गौरव होता है तो उसको चोरी से घृणा नहीं है, पकड़े जाने का डर जरूर है, पकड़ा न जाए तो चोरी उसके गौरव की चीज है, जितनी अच्छी चोरी कर सके उतना वो अपने को गौरव वाला मानता है। इसी प्रकार और बुरे कर्मों में जब मनुष्य की महत्व बुद्धि हो जाती है, रति होने पर, प्रीति होने पर, तो ये शास्त्रकार कहते हैं, संतों ने कहा है कि बुरा कर्म जीवन में कभी बन जाए ये इतनी बुरी चीज नहीं है,
परंतु बुरे में प्रीति हो जाए ये बहुत बुरी चीज है। भाई भूल सबसे होती है, आदमी चलता है वो गिरता ही है, प्रमाद भी होता है, भूल हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। पर भूल होने पर भूल दिखने लगे और भूल का पश्चाताप हो जाए तो भूल मिट जाती है, आइंदा भूल में सतर्क होता है, नहीं करता। पर जब भूल को भूल न मानकर लाभ मानता है, भूल को भूल न मानकर गौरव की वस्तु मानता है, बुरा कर्म करके अपने को चतुर दक्ष बुद्धिमान मानता है, तो वैसी अवस्था में फिर बुराई से वो बच नहीं सकता, बुराई उसके जीवन का स्वभाव बन जाता है। तो बुराई में प्रीति न हो इसलिए बुराई को नित्य बुराई के रूप में देखता रहे, यही शास्त्र का विधि निषेध मानना है। ये बुरा है, ये बुरा है, बुरे को बुरा समझे, बुरा कभी बन जाए तो मन में पश्चाताप करे कि बहुत बुरा हो गया, फिर नहीं करूंगा मैं। लेकिन जब विवेक नष्ट हो जाता है और जब कामना विवेक को हर लेती है और जब विषय ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है, वो बहिर्मुख वृत्ति इसी का नाम है, विषय ही जीवन का लक्ष्य बन गया, ये जब लक्ष्य बन जाता है तब वो जहाँ जहाँ जिस जिस काम में प्रवृत्त होता है वहाँ वहाँ उसी उसी काम में वो विषयों की ओर देखता हुआ ही प्रवृत्त होता है। इसमें अपना क्या लाभ है, अपना इसमें क्या लाभ? मंदिर में हम गए पूजा की तो उसमें अपना कोई लाभ है कि नहीं, उसमें अपनी कोई प्रशंसा होगी कि नहीं, देवता प्रसन्न हो करके अपने कुछ दे देंगे कि नहीं, अपने धन पुत्र मान यश को बढ़ा देंगे कि नहीं, किसी भी प्रकार से उसकी दृष्टि विषयों में रहती है, विषयों के अनुसंधान में लगी हुई वृत्ति से ही वो अच्छे काम भी करता है। तो किसी प्रकार से अच्छे काम करना अच्छा ही है, अच्छे काम का विरोध नहीं है, किसी प्रकार से भी वो करे, लेकिन जब तक वो अच्छे काम को प्रधान नहीं मानकर अच्छे काम से होने वाले भोग को प्रधान मानता है, तब तक अच्छे काम से अगर भोग नहीं मिलेगा उसको तो बुरा करने लगेगा। उसको तो उस फल से मतलब है ना, भाई हमसे किसी ने, हमको धन चाहिए, हमसे किसी ने कहा कि तुम भगवान की उपासना करो धन मिलेगा, हमने भगवान की उपासना की धन के लिए, नहीं मिला तो हमने कहा भाई क्या करें, दूसरे से पूछा भाई क्या करें, मेरे भगवान की उपासना उपासना में कुछ नहीं है, तुम अपना व्यापार करो उससे पैसा मिलेगा। अच्छा व्यापार करने लगे, व्यापार में पैसा नहीं मिला तब फिर हौसला किसी से लेंगे, बोले इससे तो नहीं मिला। अरे बोले आजकल के व्यापार में सच्चाई से काम नहीं होता, अमुक अमुक प्रकार से तुम व्यापार करोगे तो लाभ होगा, तो उससे भी पूरा लाभ नहीं हुआ, कम हुआ। तो फिर ये होगा, वो हमारे कलकत्ते के एक मित्र आए थे, उन्होंने बताया कि आजकल कलकत्ते में रोजगार चलता है, बड़ा अच्छा चलता है। वो ये चलता है कि डॉक पर माल पड़ा रहता है विदेश जाने वाला और आने वाला, तो वहाँ डॉक के बाबुओं से साठ गांठ कर ली जाए तो चाहे जितना माल उठा लाओ वहाँ से, उसमें उनको कुछ दे दिया, कुछ अपने आ जाए तो इस तरह हजारों रुपए कमाया जा सकता है। तो किसी ने मान लो कहा कि भाई ये मामूली झूठ से काम नहीं चलता, ये सीधा काम है ना, आज जाओ आज बात कर लो कल 5,000 मिल जाए। बोले ये ठीक है, अपने तो पैसा चाहिए ना, भगवान देते भगवान से, व्यापार देता व्यापार से, चोरी देता चोरी से, इस प्रकार के काम करने, इस प्रकार से। तो जहाँ भोग दृष्टि होती है वहाँ भोग के लिए अच्छा काम होता है, अच्छे काम के लिए भोग का त्याग नहीं होता। इसलिए जहाँ जिसकी प्रधानता होती है वो प्रधानता अपना काम कर लेती है, तो मनुष्य इस प्रकार गिर जाता है। तो भगवान ने ये कहा गीता में कि भाई ऐसे लोग जो हैं, जो केवल आसुरी भावों के आश्रित हैं और अविवेक ने माया ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, वे तो मेरे भजन की ओर लगते ही नहीं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रसज्ञान आसुरम भावमाश्रिता
आसुरी भावों का आश्रय किए हुए जो लोग हैं वे लोग विवेक से रहित हैं, उनके विवेक को हर लिया गया है माया के द्वारा, विषय भोग की कामना के द्वारा। तो ऐसे लोग जो हैं वो नराधम हैं, क्योंकि अपना भला आप नहीं देख दे। जो अपना भला आप न देखे, जो अपने भविष्य का खुद विचार न करे, वो वास्तव में मनुष्यों में नीचा है। मनुष्यों में वो नीचा नहीं है जिसके पास संसार के भोग नहीं है, पर जिसकी बुद्धि ठीक है वो नीचा नहीं है। वो तो अपना काम निरंतर ठीक रखता है, बनाए रखता है। नीचा वो है जो अपना नुकसान आप करे और उसमें लाभ माने। तो कहा ऐसा आदमी जो है नराधम, वो तो मुझे भजता ही नहीं, वो दुष्कृति है। पाप करने वाला वास्तव में वही है जो पाप करके पछता लेता है, पाप से बचना चाहता है। जिसको पाप से डर लगता है, हो जाता कभी पाप, वो नराधम नहीं है, वो तो साधु हो जाएगा, माने साधु हृदय हो जाएगा। लेकिन जो बुराई में भलाई मानता है और बुराई करके जो गौरव मानता है, वो आदमी गिरा हुआ है, पतित है, नराधम है। तो इस प्रकार से लक्ष्य जो है जीवन का वो भोग न रहे, भगवान हो जाए, फिर चाहे काम कुछ भी करें। काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं, काम में जो विष है, अपवित्रता है, वो आती है भोग दृष्टि को लेकर। भगवान की सेवा के लिए व्यापार करें, भगवान की सेवा के लिए नौकरी करें, भगवान की सेवा के लिए राजनीतिक काम भी करें, भगवान की वो भगवान अर्जुन से तो भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो तो युद्ध भी राज्य के लिए मत करो, राज्य की आशा से मत करो, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो क्यों करो युद्ध? कि मेरी सेवा के लिए। भगवान के लिए जो काम करेंगे उसमें क्या होगा कि उसमें जो विष है, पाप है, जैसे पारा और संख्या शुद्ध कर लिए जाने पर, उचित मात्रा में लिया जाए तो वो बहुत ऊंचा स्वास्थ्य लाभ का काम करता है। इसी प्रकार के जगत के जो कर्म है, इन कर्मों में कठोर से कठोर कर्म भी यदि भगवत दृष्टि से हो, उसमें यदि कामना वासना आसक्ति निज सुख की चाह न हो, तो वे कर्म भी अमरत्व की प्राप्ति कराने वाले होते। तो काम हम कोई सा भी करें, उस काम में जो अशुद्धि है कामना को लेकर, भगवत दृष्टि होती वह शुद्धि निकल जाएगी। भाई हम ग्राहक को माल बेचते हैं, दुकानदार हैं, हमारी यदि भोग दृष्टि है तो हम वहाँ पर इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि ये ग्राहक ठगा जा रहा है या नहीं, बल्कि यदि ठगने में पैसा ज्यादा आएगा हम ठग लेंगे, अच्छा बताकर खराब माल देने में पैसा आएगा वो कर देंगे, तौल में माप में कम दे देंगे, नमूना दिखाकर घटिया माल दे देंगे, मिलावट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन हमारी यदि भगवत दृष्टि है, इस व्यापार के द्वारा ग्राहक के रूप में आए हुए भगवान की पूजा करना है, तो क्या होगा, हम उसको माल बेचेंगे, उससे पैसा भी लेंगे, उसमें नफा भी करेंगे, परंतु उसको ठगेंगे नहीं, उसको बुरा माल नहीं देंगे, उसको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि हम तो उसकी पूजा के लिए उसे माल बेच रहे हैं। उसमें पूजा का फल अपनी आजीविका होगी, पूजा का फल हमें मेहनताना मिलेगा, सेवा का फल हमें पारिश्रमिक मिलेगा। ये नहीं होगा उसमें कि हम उसको किसी प्रकार से ठग लें, लूट लें। तो हर एक क्रिया में जहाँ भगवत दृष्टि है, वहाँ व्यापार में, खान पान में भी, एक आदमी भोजन करता है, भोजन हम सभी करते हैं पेट भरने के लिए, सच्ची बात है, पर पेट भरने के साथ साथ कई प्रकार की और भी धारणाएं होती हैं अलग अलग सबके, भाई पेट भी भरे और ऐसी चीज खाने को मिले जो हमें रुचिकर हो, जीव को स्वाद लगती हो, किसी को खट्टा अच्छा लगे, किसी को मीठा अच्छा लगे, किसी को कुछ अच्छा लगे, तो वो फिर पेट भरने के साथ साथ स्वाद को पहले देखता है। एक आदमी पेट भरने के साथ साथ स्वास्थ्य को देखता है,
बुद्धिमान रोगी है, बुद्धिमान आदमी है, वो देखेगा भाई अमुक चीज स्वाद तो है, जीभ को तो अच्छी लगती है, पर इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला आदमी जीभ को स्वाद लगने वाली चीज भी नहीं खाएगा और अधिक नहीं खाएगा, क्योंकि वो जानता स्वास्थ्य बिगड़ेगा। एक आदमी खाता इसलिए कि अमुक अमुक चीज खाएंगे तो शरीर में बल बढ़ेगा, बल बढ़ने से हम अमुक आदमी से हमारा बैर है उसको मार देंगे, वो इसलिए खाता है। एक आदमी खाता है कि हम भोजन करेंगे तो भोजन से शक्ति बढ़ेगी, तो भोग करने के हमारे अंदर अधिक ताकत आवेगी, हम संसार के भोगों को भोगेंगे। तो भिन्न भिन्न दृष्टियों से भोजन पेट सभी का भरता है। एक आदमी सोचता है कि भाई शरीर की प्राप्ति हुई है मानव शरीर के भजन के लिए, भगवान के लिए, और भगवान की प्राप्ति भजन से होगी, शरीर रहे बिना भजन होगा नहीं, इसलिए भजन करना है, अतएव शरीर की रक्षा करने के लिए भजन करना है। तो भजन करने के लिए शरीर में तामसिकता ना आवे, आलस्य ना आवे, प्रमाद ना आवे, बुरे भाव न जागे, विकार ना आवे, तो उसका लक्ष्य रहेगा ऐसा भोजन करना जो सात्विक हो, जो विकार पैदा न करता हो, जो मन में इंद्रियों में बुराई न पैदा करता हो, ऐसी चीज खाएगा वो। और एक आदमी उससे भी ऊंचा जाएगा, वो कहेगा भाई अपने तो सब भगवान के अर्पण करना है, भगवान ने आज्ञा दी ये दशनासी तब कृष्ण मदरपण जो खाता है मुझे अर्पण करो। और एक आदमी उससे ऊंचा बढ़ता है, वो कहता हम तो केवल भगवान हमारे खाने से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हम खाते नहीं, खाने में हमें कोई लालसा नहीं, शरीर भी रहे न रहे, तो खाते सब हैं, परंतु भिन्न भिन्न भावों के अनुसार भोजन में अपने आप भिन्नता आ जाती है और फल में तो भिन्नता होती ही है। इसी प्रकार कपड़े पहनना, एक आदमी शौकीनी के लिए पहनता है, एक आदमी लज्जा निवारण के लिए पहनता है, एक आदमी सभ्यता के लिए पहनता है, एक आदमी अच्छा दिखाने के लिए पहनता है, एक आदमी सर्दी गर्मी से बचने के लिए पहनता है, एक आदमी भगवान के लिए पहनता है, कपड़े सभी पहनते हैं, पर अपनी अपनी भावना के अनुसार कपड़े पहनने में भी कपड़ों की सिलावट बनावट उन क्वालिटी इन सब में अंतर आ जाएगा अपने आप। जिसकी जैसी रुचि होगी, जैसी भावना होगी, उसी के अनुसार वो बनेगा, वैसे ही बनावेगा।